हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। शहनवाज हुसैन को दिल्ली एचसी से बड़ा झटका। भाजपा नेता के खिलाफ दर्ज होगा रेप का केस। दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र बिहार सरकार में मंत्री रहे बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन को बड़ा झटका दिया है। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने 2018 के एक मामले में शहनवाज हुसैन याचिका को खारिज कर दिया है। इस याचिका में निचली अदालत के उस आदेश को चुनौती दी गई थी जिसमें उनके खिलाफ यौन शोषण के आरोप में FIR दर्ज करने को कहा गया था। हाईकोर्ट ने दिल्ली पुलिस को निर्देश दिया है कि इस मामले में 3 महीने में अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट निचली अदालत के सामने रखें। साल 2018 में एक महिला ने केंद्र और बिहार सरकार में मंत्री शाहनवाज हुसैन पर आरोप लगाया था कि उसके साथ छतरपुर फार्म हाउस में रेप किया गया। इसके अलावा जान से मारने की धमकी भी दी गई। इसी मामले पर पुलिस ने निचली अदालत में कहा था कि शाहनवाज के खिलाफ कोई मामला नहीं बनता। हालांकि उस वक्त भी कोर्ट ने पुलिस के तर्क को खारिज करते हुए कहा कि ये संज्ञेय अपराध का मामला है। शाहनवाज हुसैन बिहार से MLC हैं। वे बिहार में जदयू बीजेपी गठबंधन सरकार में भी मंत्री थे। शाहनवाज अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में केंद्र में मंत्री बने थे। उस समय उन्हें सबसे युवा मंत्री होने का गौरव प्राप्त हुआ था। सैयद शाहनवाज हुसैन वर्ष 2014 में भागलपुर लोकसभा चुनाव में हार गए थे। 2019 में उन्हें भाजपा ने कहीं से भी टिकट नहीं दिया, लेकिन लगातार वे पार्टी के लिए कार्य करते रहे। उनकी प्रारंभिक शिक्षा विलियम्स हाई स्कूल सुपौल में हुई। कुछ दिन पूर्व वे बिहार में विधान परिषद सदस्य बने और फिर उद्योग मंत्री। जागरूक टीवी के लिए दिल्ली से खास रिपोर्ट।